शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समीर जी ये बाइक कब मिली? कंपनी वालों ने आज सुबह दी। आज नहीं कल मिली? नहीं आज मिली। तुम बाइक की बात कर रहे हो, हम नजर की बात कर रहे हैं। रानी से तुम्हारी नजर कल मिली ना? रानी कौन रानी? मैं तो खेलते हुए बच्चों को देख रहा हूँ। अच्छा, अरे मैं नाम का नहीं, मैं काम का ज्योतिषी हूँ। अच्छा। मैंने तुम्हारी कुंडली देख ली है। अच्छा, मैं तुम्हें रानी से मिलवा देता हूँ, वरना तुम ऐसे ही खिड़की से गिरते रहोगे ना। अरे हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हमारी वजह से दो दिल मिलते हैं, एक घर बसता है, बच्चे किलकारी मारते हैं, इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए और क्या होगी। सुना इनका बाप कर्नल बड़ा सख्त आदमी है। अरे अभी रिटायर्ड है, कभी भी बुलावा आ सकता है, और उन्हें तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखना पहली मुलाकात में गले लगा लेंगे तुम्हें। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू फॉर द कॉफी, बाय यू गाइस। रानी जी आपसे कुछ नाराज है? नहीं तो फिर उस दिशा में क्यों जा रही है? रानी जी, पंडित जी यहाँ आओ। इस तरफ आ रही है जी। देखना एक बार हाथ मिले, दिल मिलने में देर नहीं लगेगी। आओ आओ, तैयार हो जाओ। आजकल कर्नल साहब 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। जी वो गाड़ी खराब हो गई ना, तो उसी के चक्कर में गए हैं। हमने उनसे कितनी बार कहा है कि आपके कार्बोरेटर की महादशा चल रही, कम से कम 125 रुपए का पेट्रोल डलाया करो, 25 रुपए से ऊपर के डलवाते नहीं है। खैर छोड़ो, ये है मेरे बचपन के दोस्त समीर। हालांकि बचपन मिले नहीं है, जवानी में आके मिले हैं। और ये रानी, समीर लाइफ गार्ड, रानी फैशन डिजाइनर। हाथ बात तो मिला लो। मम्मी! बच्चे को संभाल नहीं सकते? क्या हुआ? टायर फटा? नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? डैडी! क्या मुलाकात हुई है कर्नल से इनकी? किसने इन्हें चाटा मार दिया? ऐसा लगा कि बम फट गया। पापा आप ठीक तो है ना? पूछो मत बेटा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम गरम लोहा पिघलाकर कान में डाल दिया हो। तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था, ये तो है ही शैतान। वो तो कर्नल साहब ने ब्रेक मार के बचा लिया इसे। ए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे पापा के ऊपर हाथ कैसे उठाया? मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके पापा हैं। और लेकिन ये बच्चा, बच्चा? बच्चे की माँ यहाँ पे है, पूरी दुनिया यहाँ पे है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तुम हीरो बनने की कोशिश क्या कर रहे थे? What were you trying to do? Please, आप दोनों झगड़ा बंद करो और जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। अरे कंडक्टर नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। वहीं जा रहे हैं। अरे ये तो बहरे हो गए, ये क्या किया? जिनसे रानी का हाथ मांगना था उनके कान पे हाथ दे दिया। अरे विलियम पहले तू बता, तू है किधर? मैं कहीं नहीं गया साहब। इधर कर। आप बताओ आप कहाँ हो? फिकर मत करो साहब, मैं 1 घंटे में पैसे लेकर आपके पास पहुँचता हूँ। काय को मेरे घर काय को? ओके साहब, आप घर से निकलकर कहाँ जा रहे हो बताओ? मैं मारवाड़ी से वहाँ से पैसा उठाकर आप जहाँ बोलो वहाँ मिलता हूँ साहब। अरे पागल, बैंस पे पैसा क्यों उठा रहा है? हेलो, वड़ा पाव चार खा चुका तू, वड़ा पाव चाहिए। तूने देख लिया? अरे कुछ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि विलियम भाई यहाँ है, तो सीधा बोलना विलियम। वाह वाह वाह, कैसे पता चलेगा? वाह वाह वाह, क्या होता है? हेलो ए विलियम, ए सुन विलियम, ए ए रुक, ए रुक विलियम, ए शेट 1 लाख रुको मैं। हेलो सुना नहीं दे रहा? अरे अरे वो पारसी बाबा, क्या हुआ? पारसी बाबा मतलब 50 लाख रुपए मिसिंग रिवॉर्ड मालूम पड़ गया। हाँ पड़ गया। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं सॉरी। क्या हुआ? विलियम भैया ने साहब को कुत्ता बोल दिया। ये
सांप पागल हो गया है, ये कर्जदारों के कर्ज के चक्कर में इसका दिमाग और जुबान दोनों हिला के रख दिया है। इसको छोड़ रहे, लोगों को फोकट में गाली खाने की आदत तो है ही। बेटा पहले ये बता, 50 लाख मिले कि नहीं? सांप बुड्ढा फिर बाकी। जल तू जल तू आई बल्ब टाल तू। बेचारे पागल हो गए। साहब कंट्रोल करो साहब, पैसा क्या है आता है जाता है, हाथ का मैल है पप्पू। मैं तो उन लोगों के बारे में सोचकर हंस रहा हूँ जो ऑलरेडी अंकल बाबा के घर गए हैं इनाम के चक्कर में पैसे लेने के लिए। साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? कोमलन पार्टी जो चुप रहे, डॉक्टर के पास गए हैं, ये बता रहे हैं कि अंकल आपको मिल गया। कोमल को कौन बोला? कोमल को कौन बोला? ये मेरे काले खजूर, साले काले खजूर, उसपे ग्रीन नारियल के साथ इसकी पौंदी पौंद पका साले की। साले तू कहीं मरे कहीं भूत हो साले। ए फारूक इधर। बाबा हजूर, बाबा को 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? अबे आता है कि नहीं? जी बाबा आया आया बाबा, आ बाबा जी बाबा आदा बाबा। ये बेगम इधर कोने में, कोने में चलो बाबा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो 50 लाख का आसामी भाग गया क्या? बाबा मेरा सुबह से बैड लक चल रहा है बाबा, 50 लाख के चक्करों में बीवी बच्चों को फोन कर दिया बाबा। वैसे नहीं भरोसा करते थे, अब तो और भी नहीं करेंगे बाबा। मैं एक नकारा शोहर नकारा बाप बन गया हूँ बाबा। अरे डराता क्यों है, मेरे सीने से लग जा मेरे बच्चे। बाबा बहुत परेशान हो। नहीं नहीं अब सारी परेशानी खत्म हो जाएगी बाबा, कुछ करो। भयो मारी राम प्यारी को ऐसो चमका दे, ऐसो चमका दे, ऐसो चमका दे कि। अरे ब्रेक तो छोड़ दो। चमकेगी तो अब मेरी किस्मत। एफटीबी तू ये खटारा भंगार में बेचकर सोने की खटारा खरीदने की तैयारी कर, मेरा राजयोग शुरू हो रहा है अब। दिन में सपनों देखे हुए हैं? नहीं सपना नहीं, सच। एक महान ज्योतिषी ने कहा है कि अगर मेरी शादी पद्मिनी जाति की लड़की से होगी तो मैं राजा बनूंगा, कुबेर भी मेरी दौलत को देखकर चलेगा। गुरु तुम राजा तो मैं प्रधानमंत्री। और भाई मैं तू 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 सेनापति। पर मैंने कपड़ा बेचने को तो मिलेगा ना। क्या बात हो गई? कर दी ना छोटी बात, इसको आधा राज भी देंगे तो भी भीख मांगने लिए कटोरा आगे बढ़ाएगा। ठीक है भाया, आपको नहीं बोलूं मैं, पर ते भी एक छोटी सी बात कर दे, जल्दी से शादी कर डाल। अरे शादी तो कर डालू, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? पद्मिनी जाति की लड़की को ढूंढूं कहाँ, वो भी ऐसी जिसकी दाई जांग पर तिल हो। अरे अरे बावले पंडित पगला गयो है, पगला गयो है ये, लड़की की जांग पर तिल ढूंढने की सोच है। अरे गुरु वो जनार्दन भाई याद है ना, पता है ना वो जेल क्यों गया है? जनार्दन भाई? हाँ बचालो भाई, माने नहीं ना हमारी बात, बचालो मुझे भाई। अब देखो माफ कर दो, देखो भैया का इंसान। भीमा भाई, औरतों की इज्जत के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं उनके साथ जनार्दन भाई क्या सलूक करता है जानते हो? जनार्दन भाई मुझे माफ कर दो। देखिए भीमा भाई, मैं आज भी आर्मी के सिद्धांत पर चलता हूँ, अगर आज आपको माफ कर दिया तो कल आप जैसे 10 और भीमा यही काम कर गुजरे, और ये जनार्दन भाई के सिद्धांत इससे गौरा नहीं करेंगे। जी बाजी मुझे माफ कर दो जनार्दन भाई, माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो जनार्दन भाई, माफ कर दो, गलती हो गई। क्या हुआ गुरु? अरे वो ज्योतिषी तो ये पूछना तो भूल ही गया कि जनार्दन भाई का राम नाम कब सत्य होगा। तू डर मत भाइयो, जनार्दन भाई को जेल से छूट कर आने में अभी वक्त है। पर वो जीवा? ओहो बड़े आदमियों के आँख कान हुए हैं उनके चमचे, और जनार्दन भाई का चमचो है जीवा, जो हमारे साथ तीसरी कक्षा में चौथे बेंच में 5 साल तक पढ़े हुए, उसको तो मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, लेकिन तिल ढूंढने के चक्कर में औरतें चप्पलों से तो नहीं मारेंगी ना? अरे अरे
एक काम कर, इस पगली के लिए बड़ी ओसा ड्रेस से ये पहन के घूमेगी तो कॉलोनी में थारी पब्लिसिटी हो जाएगी। हाँ बस फिर क्या गुरु, कॉलोनी की सारी लड़कियाँ हमारे पास और उनमें से किसकी दाई जांघ में दिल है, मतलब दिल है, वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और जो ग्राहक थारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आएंगे वो कपड़े खरीदेंगे किससे? किससे? मारे से। इस तरह थारो भी बलो हो जाएगा और मारो भी बलो हो जाएगा। चलो चलो ठीक है ना। ठीक है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पक्का। आज से दिल ही हम तीनों का रिमोट बटन है।